हेलो दोस्तों, मैं जसवाल स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इस बिजनेस की खास बात है कि इस बिजनेस को आप कहीं से भी आराम से चालू कर सकते हैं और बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इस बिजनेस के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे वीडियोज़ पर कमेंट आए थे कि सर मुझे इस बिजनेस के बारे में बताइए, इस मशीन के बारे में बताइए और कैसे काम करना है, सारी चीज़ें बताइए। तो इसीलिए आज मैं सभी के लिए लेके आया हूँ ये वीडियो, ताकि इस वीडियो को देख के आप ये बिजनेस चालू कर सकें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे ये सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी नीचे एक रेड कलर का आपको बटन दिख जाएगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको पता चले, जिससे कि आप प्रॉफिट कमा सकें। और दोस्तों, जो इस बिजनेस में मैं मशीन बताने वाला हूँ वो आप चाहें तो घर के यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। घर के यूज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मशीन है ये नॉर्मली सभी लोगों के लिए। तो गाइस, जो मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की, ये है आटा चक्की मेकिंग मशीन। जैसे कि जानते हैं कि आटा हर घर में यूज होता है, जनरली आप गांव में हो, शहर में हो, हर जगह आप रोटी खाते हैं तो आटा आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप मार्केट से खरीद के लेके आएँ चाहे कैसे भी करें। और हम अगर गांव एरिया में देखते हैं तो यहाँ पर चक्की लगी होती है जो कि जाते हैं आटा पिसाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो जनरली मैं अभी गया था जहाँ पे हम लोग आटा पिसाते हैं अपने गांव में, तो उससे मैंने बात किया था, वो बता रहा था कि बहुत आसानी से मैं अपने गांव में ही, यहाँ पे जो गांव हमारा वहाँ पे उसने चक्की लगा के यानी कि मशीन लगा के बहुत आसानी से महीने के सिर्फ बचत वो आराम से 30 से 40 हज़ार रुपये सेव करता है, मतलब पैसे बचाता है, बाकी जो उसका कॉस्टिंग है वो अलग है। तो आप सोचिए, अगर आप जनरली एक छोटा लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मशीन कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे कौन कौन सी टाइप को आपको मशीन बाय करना चाहिए, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा चलता है। इसमें एक मॉडल आता है सिर्फ चक्की का आता है, दूसरा जो मॉडल आता है वो आता है राइस मिल विद चक्की। ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें आप सिंपली गेहूं डालेंगे, इसमें आप गेहूं, हल्दी या फिर ऐसे जो बाजरा हो गया, ऐसी जो चीज़ें हैं जो एकदम आप पीस सकते हैं आटे की तरह, वो चीज़ें बहुत आसानी से इस मशीन से आप जो है पीस सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस हिसाब से डाल के आपको सिर्फ ये लाइट से चलता है, लाइट आप ऑन करेंगे ये मशीन ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। बहुत ईजी टू ऑपरेट मशीन है, बहुत छोटी मशीन है, बहुत कम्फर्टेबल मशीन है, आप कहीं पर भी बहुत आसानी से इस मशीन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सिंपली इस यहाँ पे देख सकते हैं मशीन आप गेहूँ आपने डाला और ये जो है आटा बना के बहुत आसानी से निकाल देता है। इसके अलावा इसमें अब आप धान डालेंगे तो आपको ये राइस मिल का भी काम करेगी। यहाँ पे देखिए, फ्रेश एकदम चावल जो है, फ्रेश चावल निकालेगी और भूसी जो इसका जो कचड़ा होता है यानी कि वो अलग आपको इसमें निकाल देगी। तो आप ये विथ दोनों चीज़ ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा चलने वाली मशीन है। इसमें आप एक मशीन से मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है, दूसरे मॉडल्स बहुत सारे आते हैं जो सिर्फ चक्की मॉडल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 1 HP 1.15 HP, मतलब 1 HP की, 1.2 HP की, 2 HP देख सकते हैं, मोटर जो इसमें लगी होगी, हैवी मोटर लगी होती है, स्पीड के भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें स्टोन लगा होता है, बहुत अलग अलग तरीके की। इसमें सिर्फ जो चक्की मॉडल है सिर्फ आपको चक्की ही मिल जाता है। तो यहाँ से इस हिसाब से आप जो है आप इसमें मशीन में वर्क करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसको सीख के कर सकते हैं। आगे वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की है तो उस चीज़ को ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। तो गाइज़, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप इन सारी मशीनों को ऑफलाइन भी ले सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में कहीं पे भी आप जाएंगे, आपके शहर में भी हो सकता है ये मशीनें बहुत ही ज़्यादा दुकानों पे अवेलेबल हों, वहाँ से भी ले सकते हैं आप ऑफलाइन। लेकिन मैं आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, मॉडल्स भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप गूगल पर सर्च कर लेना आटा चक्की मशीन, ये डायरेक्टली आपके गूगल पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा अलग अलग मॉडल्स की यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्राइस भी और किस हिसाब से वो काम करेगी, कितनी HP की मोटर है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाती हैं। ये मशीन सिर्फ 8,000 रुपये की, ये भी दे सकते हैं 32,000 की है, 3.5 लाख की है, 3 लाख की है, 15,000 की पर यूनिट है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग मिल जाएगा। यहाँ पे दे सकते हैं लगभग 49,000 50,000 की है, 1 HP की मोटर है और 150 हॉर्स पावर है इसमें, देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये आपको वारंटी मिल जाती है 12 महीने की, यानी कि 1 साल की, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की अलग अलग आपको ऐसी मशीनें बहुत सारी मिल जाएंगी। बड़ी मशीनें 22,000 की भी मिल जाती है, छोटी मशीनें, बड़ी मशीनें, डबल मशीनें, जितने जौन सी चाहें आप यहाँ से वो सारी मशीनें, चक्की की मशीनें बहुत आसानी से जो है बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारी मशीनें आपको मिल जाती हैं जो आपको चाहिए हैं। यहाँ पे काफ़ी सस्ती भी मशीनें देख सकते हैं, 12,000 रुपये की है। अगर आप घर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाली सस्ती मशीनें ले सकते हैं जो 12,000-25,000 रुपये की हैं। छोटी बड़ी मशीन देख सकते हैं 20,000 रुपये की, ये भी आप घर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं। और बिजनेस के पर्पज़ से चाहें तो बिजनेस के पर्पज़ से आपको थोड़ी बड़ी मशीनें लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसमें हैवी ड्यूटी करना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी देर तक काम करना पड़ेगा। हो सकता है 12 घंटे चले, 8 घंटे चले, 10 घंटा चले, तो वो हैवी ड्यूटी मशीनें लेनी पड़ती है। जो मैं कॉम्बो दिखा रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 19,000 रुपये का है। जो सिंगल है वो राइस मिल जो है, या फिर आप 12,000 रुपये के भी ले सकते हैं। तो ये सारी भी आपको मिल जाती है। आटा चक्की यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ 9,000 रुपये की आपको मिल जाती है। तो 9,000 वाली भी आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको बाई करने के लिए यहाँ पे व्यू कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अपना नंबर डालना है और सबमिट कर देना है। अगर आप इनका नंबर लेने चाहते हैं तो यहाँ कट करेंगे, इनका नंबर शो हो जाएगा। यहाँ से इनके नंबर पर आपको डायरेक्टली कॉल करके और ये मशीनें जो है बहुत आसानी से आप जो है बाई कर सकते हैं। तो आगे मैंने बात किया है वीडियो में प्रॉफिट मार्जिन और कैसे आपको सेल करना है, कैसे अपनी सारी चीज़ें बढ़ाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मशीन किस हिसाब से वर्क करेगी और मशीन कहाँ से आपको कैसे कैसे कौन कौन सी टाइप की मिलने वाली है, आप ऑफलाइन खरीदते हैं ऑनलाइन खरीदते हैं, दोनों तरीके से आपकी सुविधा मिलने वाली है। इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि आप अगर मोटर यानी कि जो लाइट वाली लेते हैं तो आपका जो लाइट का कंजम्पशन होगा सिर्फ उसका बिजली का बिल लगेगा, बाकी आपके पास होना चाहिए एक छोटा सा एरिया जहाँ पर आप इस मशीन को फिट करेंगे और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी कि उसको चलाएंगे। अब इसमें हम बात करते हैं प्रॉफिट अगर मार्जिन की अगर हम बात करें इसमें, तो अगर अभी हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है प्रति केजी 2.5 से 3 रुपए की, प्रति केजी के हिसाब से जो है पिसाई चले, यानी कि गेहूं डाल के जो आटा निकालते हैं उसका जो कोस्टिंग है पर केजी का 2.5 या 3 रुपीज़ जो है पर केजी चल रहा है। और इसमें अगर हम कोस्टिंग की बात करें तो मुश्किल से 1 रुपये की कोस्टिंग आती है पर केजी के पीछे, यानी कि 1 किलो आटा बनाने में 1 रुपये से भी कम कोस्टिंग आपको आती है, बाकी जो है आपका प्रॉफिट होगा लाइट से चलाएंगे अगर, यानी कि बिजली वाला। अगर आप डीजल वाला चलाते हैं या तेल वाला तो उसमें कोस्टिंग आपकी थोड़ी सी हाई, लगभग 1.5 रुपये की आ जाती है, क्योंकि उसमें तेल की खपत होती है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें 2 गुना प्रॉफिट है, यानी कि 1 रुपये लग रहा है तो आपका 2.5 रुपये 3 रुपये में सेलिंग हो रही है, यानी कि 2 गुना ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, आपको इसमें कोई मैन पावर नहीं रखना है, आप खुद सेल्फ भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं मार्केटिंग की, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस में होता है कि मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें दोस्तों आपको मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा कम करना है, यानी कि अगर आप गाँव क्षेत्र में अपने लगा लेते हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा देंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लोग आपके पास आएंगे, आप मतलब वो चीज़ आटा पिसवाने के लिए। तो मार्केटिंग ऑटोमेटिक ही आपकी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें मार्केटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक्यूरेसी में काम करना है, बढ़िया से काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है कमाना है। और अगर आप दुकानों में अगर आप इस बिजनेस को सेल्फ यानी कि घर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो घर के लिए भी यूज़ के लिए ले सकते हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही इसको अपना आटा बना। जैसे कि आपका परिवार ज़्यादा है, 10 लोग 20 लोग 30 लोग हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये मशीन लेके आना और रखना। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।